आज हम बात करेंगे समरसेबिल के बारे में। दोस्तों समरसेबिल को लेकर, समरसेबिल जो मोटर होती है पानी की, उसको लेकर मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, तो मैंने सोचा एक कमेंट के लिए इनका एक वीडियो ही बना दें। जैसे मोटर ज़्यादा एम्पियर क्यों लेती है, और मोटर के एम्पियर ज़्यादा लाते हैं और पानी कम क्यों आता है, पानी कुछ देर चलने के बाद बंद क्यों हो जाता है, इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा। आप ये वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं समरसेबिल मोटर की। तो समरसेबिल मोटर में कई कारण होते हैं एम्पियर ज़्यादा होने के। तो सबसे बड़ा कारण जो ये होता है कि उसका एक तो रन, अगर सिंगल फेज की मोटर है तो उसका रनिंग कैपेसिटर खराब होता है तो भी एम्पियर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उसके थर्स बेयरिंग होते हैं, बुश भी जो होते हैं, वो कट जाते हैं तो भी एम्पियर बढ़ जाते हैं। या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लाइट जब कम आती है, गर्मी के मौसम में क्या है कि लाइट बहुत कम आती है, तो उससे भी एम्पियर हमारे बढ़ जाते हैं। और वायर भी इसीलिए गर्म होती है कि उसके थर्स बेयरिंग खराब है या फिर मोटर के बुश खराब है, तो उस पर क्या बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और उसके कारण मोटर का वायर भी गर्म होता है। तो ये रीज़न है मोटर ज़्यादा एम्पियर लेने के और वायर गर्म होने के। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि कुछ देर हमारी मोटर प्रेशर से पानी देती है, उसके बाद उसका प्रेशर डाउन हो जाता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि बोरिंग में जो वाटर लेवल है वो कम हो चुका है, उसके कारण जितना पानी उसके बोरिंग के अंदर भरा हुआ होता है उसको वो फ्लो से फेंक देती है, बाकी जब पानी धीरे धीरे आता है तो वो झटके के साथ उसको फेंकती रहेगी। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, पानी स्लो आ रहा है लेकिन कंटिन्यू आ रहा है, तो वो कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कोई उसका पाइप लीकेज हो जाता है निप्पल के पास से, या फिर बीच में से कहीं से पाइप फट जाता है, उससे भी उसका प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम इनको ध्यान में रखेंगे तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी। इसके अलावा पानी का जो प्रेशर है वो डाउन होने का एक रीज़न ये भी होता है कि हेड में जो एम्पलर वगैरह होते हैं वो घिस जाते हैं, कट जाते हैं, जिनकी वजह से उनके प्रॉपर मतलब वैक्यूम नहीं बन पाती प्रेशर की फेंकने की, तो इसलिए उसका प्रेशर डाउन हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको काफ़ी हद तक समरसेबिल के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।